राजस्थान में फिर शुरू हुआ गैंग वॉर। गैंगस्टर राजू ठेहट की दिन दहाड़े हत्या। सीकर में राजू को उसके घर के बाहर गोली मार दी गई। राजू की आनंद पाल गैंग से दुश्मनी भी थी। चश्मदीद बताते हैं कि भागते समय बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इस एरिया में एक बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है। राजस्थान के गैंगस्टर राजू ठेहट की सुबह 10 बजे के आसपास गोली मारकर हत्या हुई है। यह हत्या पूरी प्लानिंग के साथ की गई। राजू के घर के बाहर ही उसे गोली मार दी गई। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चार बदमाश हथियारों के साथ सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए हैं। गैंगस्टर राजू ठेहट नामी बदमाश था और उस पर कई मामले भी दर्ज हैं। वो काफी लग्जीरियस लाइफ जीता था। उसके काफिले में महंगी कारें और बाइक्स रहती थी। गैंगस्टर को सीकर बॉस के नाम से भी जाना जाता था। जयपुर जेल में रहने के दौरान वो अपना गिरोह बढ़ाने की फिराक में भी रहता था और जयपुर में वो अपना ठिकाना भी बनाना चाहता था। जयपुर के स्वेज फार्म में एक बार वो पकड़ा भी गया था और उसके बाद खुलासा हुआ कि उस फार्म हाउस की कीमत 3 करोड़ रुपए थी। गैंगस्टर राजू सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव था। अपने गनमैन और कारों के काफिले के साथ वो रील्स बनाता था और सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था, कभी अकेले बाइक चलाते हुए तो कभी लग्जरी कार चलाते हुए। राजू हर बार जेल के बाहर आने के बाद अपने गैंग को बढ़ाने का काम करता था, लोगों के बीच एक्टिव रहता था और रील बनाकर सोशल मीडिया पर खूब वाहवाही बटोरता था।